सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है और इस मौसम में गर्मा गर्म सूप पीना सभी को पसंद है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी कॉर्न सूप की रेसिपी। इस सूप को बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने आधा कप कॉर्न लिया है, इसे ग्राइंडर में पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे जिससे ये एकदम बारीक ग्राइंड हो जाए। ये देखिए इस तरह का स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पर मैंने गैस पर पैन लिया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर और इसे मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स और आधा कप कॉर्न। इन सभी को बटर में चलाते हुए हल्का सा सोते कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इन्हें एक मिनट बटर में हल्का सा चलाएंगे जिससे बटर का फ्लेवर इनमें आ जाए। एक मिनट के बाद इसमें डालेंगे कॉर्न का पेस्ट, इससे सूप में कॉर्न के अच्छे फ्लेवर के साथ गाढ़ापन भी आएगा। यहाँ हम कॉर्न का सूप बना रहे हैं इसलिए वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कॉर्न से थोड़ी सी कम ही रखनी है जिससे कॉर्न का फ्लेवर सूप में ज्यादा आए। तो यहाँ पर मैंने सभी को मिक्स करके हल्का सा पका लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। ये 1 गिलास पानी डाला है, अब 1 गिलास पानी और डालेंगे। इस सूप को 4 लोग अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। मैं इसे ढककर बॉयल कर रही हूँ जिससे ये जल्दी बन जाएगा। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर बॉयल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को सूप में डालने से गले में आराम मिलता है। अब अगर आप सूप पतला पीना चाहते हो तो आप इसे इसी तरह से इंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सूप को गाढ़ा कर रही हूँ। सूप को गाढ़ा करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसे पहले पानी में मिलाएंगे और पानी में अच्छे से मिलाने के बाद इसे सूप में डालेंगे। यहाँ जैसे ही आप कॉर्न स्टार्च को सूप में डालोगे तब जल्दी से इसे सूप में चला दीजिए जिससे सूप में लम्स नहीं बनेंगे। अब 2 मिनट सूप को और ढककर पकाएंगे जिससे कॉर्न स्टार्च भी पक जाएगा और सूप भी गाढ़ा हो जाएगा। 2 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद सूप रेडी हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कॉर्न का सूप बहुत ही हेल्दी होता है, साथ ही इसमें हमने वेजिटेबल्स भी ऐड की है जिससे इसका न्यूट्रिएंट लेवल और भी बढ़ जाता है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।